so the importance of this is that the best way to learn answer writing best way to frame the sentences and understand what is the demand of upsc is to learn how the toppers are writing theek hai so isi series mein main ye topper copy analysis kar rahi hu of utkarsh devedi who has secured one of the highest marks theek hai in psir तो ऑलरेडी दो वीडियोस इसकी आ चुकी हैं जहां पर करेंटली हम वेस्टर्न जो हमारा पेपर वन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है so without any ado let's begin so here the question is about contribution of buddhist tradition to political thought so the keyword over here is buddhist tradition so what utkarsh has done is that he has identified the keyword and wrote an introduction around it like he has written buddhist political thought refers to the use of ideals of buddha in the governance of the state simple short and crisp sentences he is writing so that is easy for the examiner to understand एग्जामिनर को अपने दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ रहा है ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत ही आसानी से समझ आ रहा है वट एवर ही इज ट्राइंग टू राइट एंड सी एज वेल फिर इन्होंने लिखा कि दो बुद्धा इज नोन एज फिलोसफर ऑफ पीस स्कॉलर लाइक उपेंदर कौर कांचा इलेया एंड गेल ओमविट कॉल बुद्धा एज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर क्योंकि यहां पर बात हो रही है कि जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है क्या उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल थॉट को तो इसको हमें हमेंट करना पड़ेगा कि क्या बुद्धा एक थिंकर है भी या नहीं है तो इन्होंने बताया कि भले ही बुद्धा को फिलोसफर ऑफ पीस कहा जाता है लेकिन फिर भी काफी स्कॉलर्स हैं जैसे कि उपेंद्र कौर हो गए कांचा कांचाइलिया हो गए गे, गेल ओमवेट हो गए जो कि बुद्धा को एक पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं अगेन इन्होंने बताया कि दिग्ग निकाय में बोला गया है अब बुद्धिस्ट बुक Uh, जो कि दिग्ग निकाय बुद्धिस बुक है द ओरिजिन ऑफ स्टेट इज ड्यू टू के बिकॉज ऑफ ग्रीड्स ऑफ मैन सो क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ पूछ रहा है कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है पॉलिटिकल थॉट पे तो इसमें यही सब चीजें लिखनी पड़ेंगी क्या बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ने बताया ओरिजिन ऑफ थॉट पे क्या उसने बताया इक्वालिटी के बारे में लिबर्टी के बारे में एक्सेट्रा तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज जो अच्छी की है दैट इज ही हैज यूज्ड द कीवर्ड्स ऑफ द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जैसे कि दिग्ग निकाय एक बुद्धिस्ट बुक है जिसमें बताया गया कि ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसे हो फिर उन्होंने बताया कि इन बुद्धा अब देखो ये साफ साफ हाईलाइट कर करे जैसे कि बुद्धिस्ट पॉलिटिकल uh, जैसे कि पॉलिटिकल सो फर्स्ट ही इज टॉक्ट अबाउट ओरिजिन की ट्रेडिशन में हमको नॉर्मेटिव पॉलिटिकल आइडियल जैसे कि इक्वालिटी लिबर्टी ऑफ रिटर्निटी भी देखने को मिलते हैं फिर इसको ये सबस्टैंशिएट करेंगे कि ये हमें कैसे देखने को मिल रहे जैसे कि बुद्धा बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट था नॉट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन एज इवन द लोअर कास्ट वर अलाउड इन द बुद्धिस्ट संघास तो ये ये पॉइंट दिखाता है कि ये कोई भी बात हवा में नहीं कर रहे हैं uh, अगर बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में इक्वालिटी फॉलो होती थी तो वो हमें पर देखने को मिलती है? कि जो लोअर कास्ट थे उनको भी संघास में एंट्री अलाउड थी फिर क्या लिखा हुआ दिस रिपब्लिकन कैरेक्टर एज डिसीजन वर टेकन विद कंसेंस द किंग वुड बी चूजन फ्रॉम दिस संघास एंड वॉज नॉट सोपर बट पुट अंडर धम्मा ठीक है तो इन्होंने इसको सब्सटैंशिएट कर दिया then he has written कि जो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल harmony, not just in society but the world over. तो ये सिर्फ एक डायमेंशन को नहीं लेते, मल्टीपल डायमेंशन को एड्रेस करते हैं जहां पर इन्होंने ये बताया कि इसकी ग्लोबल रेलिवेंस भी है फिर इन्होंने लिखा है बुद्धा रिफ्यूजेस हिज डिसाइपल्स फ्रॉम कलेक्टिंग एक्सेस वेल्थ एज इट लीड्स टू रिवोल्यूशन फिर इन्होंने बता दिया कि बुद्धा ने रेवल्यूशन के ऊपर भी कुछ कहा है कि बेसिकली एक्सेस वेल्थ बिटकॉज इट विलीड टू इन लास्ट में इन्होंने बताया कि अशोक घोष ने कहा है कि किंगशिप इज अ डिल्यूजन एज इट इज अ डिलीशियस फूड विद पॉइजन एंड अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स तो जनरली मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कुछ स्कॉलर वगैरह यूज क्या करूं तो so यहाँ पर भी इन्होंने स्कॉलर को यूज करते हुए सिग्निफिकेंस बता दिया है अबाउट दी बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट ओके सो आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस आंसर आप भी इसको लिखने की कोशिश कीजिए और फिर कंपेयर कीजिए कि आप कैसा लिखते हैं इस आंसर के कंपेरिजन uh, में ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर्सनल इज पॉलिटिकल ये किसका स्टेटमेंट है कैरोल हैनिश का है ठीक है फेमिनिस्ट थ्योरी से रिलेटेड है ये जो स्टेटमेंट है तो आप ये देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये टेन मार्क्स का है तो ये यहां पर इधर उधर की बातें नहीं कर रहे डायरेक्ट क्वेश्चन की डिमांड को हिट करते सेइंग कि पर्सनल इज पॉलिटिकल ये कैरोल हैनिश ने दिया था और कैरोल हैनिश ने इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएटिंग बिटवीन पर्सनल एस्पेयर एंड पॉलिटिकल स्पेयर मीनस दैट पीपल अज्यूम देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एट होम तो इन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस किया सिंपली बताया कि थिंकर कौन है ठीक है और उसका इन्होंने मीनिंग बता दिया ओके, okay? तो आपको भी टेन मार्कर में ऐसे ही करना है चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है फिर उन्होंने बताया कि सुसैन मोलर ओके ने उन्होंने भी अपनी बुक जेंडर जस्टिस एंड फैमिली दिस शोज दैट यू नीड टू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ स्कॉलर्स एंड देयर बुक्स ठीक है स्कॉलर्स और बुक्स के साथ अगर आप कोट करते हो सो दैट इज एप्रिशिएटेड तो आगे इन्होंने लिखा है सेज फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पेट्रिया तो ये बता रहे हैं अब अपने डिफरेंट व्यूज uh, से स्कॉलर्स के व्यूज से सबस्टैंशिएट कर रहे हैं कि कैसे पर्सनल इज पॉलिटिकल है फिर व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज इन दी सक्सेस सेटिंग्स ऑफ अ फैमिली एज एन एडल्ट ही इंप्लीमेंट्स दोज मॉडल्स इन दी सोसाइटी उसके बाद ये बता रहे हैं कि फेमिनिस्ट ने बोला है कि साइकोलॉजिकल बैरियर दैट इज क्रिएटेड इन होम्स क्रिएट्स फर्दर बैरियर्स फॉर वेमेन इन पब्लिक लाइफ सो दिस शोज पर्सनल इज पॉलिटिकल Hence, they कॉल फॉर पब्लिक डिबेट्स ओवर डिस्क्रिमिनेशन faced इन डोमेस्टिक spheres लाइक डोमेस्टिक वायलेंस फीमेल abuse, etc. इसके बाद इन्होंने क्या किया इन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जो कह रही है ड्यू टू पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिजर्वेशन फॉर वेमेन इन पॉलिटिकल अफेयर दर इम्पोर्टेंस एंड रिकॉग्शन हैज इम्प्रूवड इन डोमेस्टिक अफेयर तो मैं हमेशा आप लोगों को तो बोलती हूँ जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम हो गया जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया कि हमेशा कुछ पार्ट कंटेम्प्रेरी का थ्योरी से आप लिंक करो सो दिस इज वॉट ही इज डूइंग ओवर है ठीक है। फिर तो यहां पर ये यह बता रहे हैं कि मतलब की एक थ्योरी थी पर्सनल इज पॉलिटिकल उससे कॉन्सेप्ट आता है पर्सनल इज इंटरनेशनल और फेमिनिस्ट फॉरन पॉलिसी इसी से डेवलप हुई। तो इन्होंने एक फॉरवर्ड लुकिंग आगे की बात भी बता दी कि पर्सनल इज पॉलिटिकल का आगे क्या कॉन्सिक्वेंस रहा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है हॉब्स पे क्वेश्चन है क्वेश्चन है इंडिविजुअलिज्म स्टेट वर द टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन इन हॉब्स थ्योरी कमेंट करना है फिर डिस्कस हॉब्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन है ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन में मैं खुद भी आपको बता दू कि हमेशा आप एक आ, मतलब बैकग्राउंड डिस्कस कर सकते हो ठीक है यू हैव दट लिवरेज वेर यू कैन डिस्कस द बैकग्राउंड की किस कॉन्टेक्स में होब्स ने अपनी ये थ्योरी दी है चलो अब इनका आंसर पढ़ते हैं तो पहले इन्होंने बताया थॉमस हॉब्स को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर माना जाता है उनका वर्क है अब मैं जो भी लोग लाइक like, मैं जिनको भी मेंटोर करती हूँ इफ दे हैव विद मी दे विल अग्री कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी किसी थिंकर के ऊपर क्वेश्चन है तो थोड़ा सा थिंकर के बारे में लिखो और थिंकर का वर्क लिखो तो इन्होंने डायरेक्ट दोनों चीजें लिख दी फर्स्ट मॉडर्न थिंकर देन ही हैतन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सोसाइटी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है इसी चीज से समझ आते हैं तैयारी करके आओ आप अच्छे से, से पढ़ के आयो दे इज गिविंग द कॉन्टेक्टर एज इट इज अ ट्वेंटी मार्क क्वेश्चन देन नेक्स्ट इज राइटिंग हॉब्स अब ये क्योंकि मैंने अभी बताया कि ट्वेंटी मार्कर में हमेशा आप बैकग्राउंड दे सकते हो तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड दे रहे कि हॉब्स प्री मेच्योरली बॉर्न थे एम इज फ्यर फ्रॉम स्पेनिश आर्मिडा और उन्होंने बोला था आई एंड पियर वर बॉर्न टूगेदर सो ही इज यूजिंग द की कोड्स ठीक है जो भी की वर्ड्स है की कोड्स है अब देखो कोई भी एग्जामिनर ना आपकी कॉपी पूरी नहीं पड़ने वाला है ही इज जस्ट गोइंग टू रीड द की वर्ड्स द की वर्ग्स आपने लिखे हैं कि नहीं लिखे और बस वही देखते वो आपको मार्क्स देंगे तो यहाँ पर इन्होंने वैसा लिखा है फिर इन्होंने लिखा ही है जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ रेवोल्यूशन जैसे कि जॉन लॉक ने ग्लोरियस रेवोल्यूशन विटनेस किया तो इस तरह से आप कोड करो तो जैसे हॉप्स ने प्योरिटन रेवोल्यूशन देखा जिसकी वजह से वहां पर केस थी और एनआरकी थी कहां पर थी इंग्लैंड में ठीक है आप ये देखो बहुत ही आसानी से समझ आ रहा है शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस लिख रहे हैं बड़े लंबे सेंटेंसेस नहीं लिख रहे हैं विच दैट देन हाउ वगैरह यूज करके तो ऐसे ही आप लोग भी लिखो ठीक है चलो आगे बढ़ते so, opus, हैं सो ही इज राइटिंग इन हिज मैग्नम ओपस लेवन प्रपोजेस दैट स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ एनार्की जहां पे लाइफ होती है पुअर ब्रूटिश एंड शॉर्ट कीवर्ड्स पे ध्यान दो ठीक है कहीं पे भी थिंक करके कीवर्ड्स को नहीं छोड़ रहे हैं ये की वर्क हमेशा लिख रहे हैं चलो आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू हिम टू अवॉइड एन आर की मैन एंटर्स इन टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है विद द स्टेट वेयर इन He transfers all his right to state except for the right to life. This makes him. अब बार बार देखो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म और हॉब्स को बोला भी जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट तो दिस मेक्स हिम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट फिर उन्होंने लिखा है कि अब ये क्या बता रहे देखो हॉब्स की जो इंडिविजुअलिज्म की थ्योरी है क्योंकि हॉब्स बोल रहे हैं कि मैन इतना इंडिविजुअलिस्टिक है कि उसको एक एब्सोल्यूट नेचर ही एप्सुल्यूट स्टेट ही कंट्रोल कर सकते हैं तो अब ये उस पॉइंट पे आ रहे हैं इसीलिए इन्होंने ही ऑल्सो मेक्स दी स्टेट लेवियातन दैट इज एन ऑल पावरफुल स्टेट एंड गिवस एब्सोल्यूट पावर्स टू एनफोर्स डिसीजन इन दी वर्ड ऑफ हॉब्स कॉम्बिनेट विदाउट आर मीनिंग लेस ठीक है तो अगेन फिर से इन्होंने यूज कर लिया कि कैसे हॉब्स की हमें एब्सिल्यूटिव थ्योरी दिख रही है और हॉप्स कैसे मतलब सब्सटैंशिएट कर रहे हैं उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन पूछा कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है तो अभी उस पर आते हैं फिर ये बताते हैं कि एक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में और जब भी कोई न्यू डायमेंशन ऐड कर रहे हैं तभी पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं यूं ही नहीं पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं

तो यहाँ से कॉपी कर लो इसको बना देना अपने आंसर में तो इनका क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि अगर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये लिखा हुआ है नो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अगर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन नहीं होता है तो क्या हो रही है एनआर की जिसकी वजह से लेवियातन चाहिए फिर अगर आएगा तो पीस आएगा और आपको पॉलिटिकल ऑब्लीगेशन अगर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है क्योंकि तो लेवियातन से होगा तो पीस होगा ठीक है तो इस तरह का फ्लो चार्ट आप बना सकते हो चलो फिर इन्होंने आई ऑलवेज टेल दिस की एक फ्लो होता है आंसर का क्या फ्लो होता है चलो अभी लास्ट में समराइज करती हूँ मैं

हॉब्स वॉज अगेंस्ट अभी बता रहे हैं कि हॉब्स ने क्यों ऐसा स्टेट क्रिएट किया बिकॉज अगेंस्ट दूस ट्राई टू यूज सच थिंग्स ठीक है कि किसके अगेंस्ट दैट डिस्ट्रीब्यूटेड सोप्रेन पॉवर बिटवीन दर्च एंड स्टेट बिटवीन दर्च एंड दॉब्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुप्रेनिटी लीड्स टू किय एंड अपेक्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ हेड्स अस्ट्रॉग स्टेट कैन एनफोर्स इट्स डिसीजन टू क्रिएट स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल ऑर्डर तो यहाँ और इसके आगे फिर ये भी बता रहे हैं कि इसी की वजह से मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट आई और इसके बाद अब इसमें इसको भी काउंटर कर रहे हैं लाइक like, आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन वॉज आस्किंग अबाउट इंडिविजुअलिज्म एब्सोल्यूटिज्म इन्होंने पूरा वो सब एड्रेस किया उसके बाद उसको लिंक कर रहे हैं मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी एंड देन ही इज राइटिंग द क्रिटिसिज्म एज वेल कि मोनिस्टिक थ्योरी को काउंटर किया फ्लोरलेस ने लाइक लास्की एंड मैकाइवर

हॉप का द ग्रेटेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है सो so, यहां पर एक फ्लो जो मैं आप लोगों को बता रही थी दैट इज की सबसे पहले आप थिंकर के बारे में लिखिए ओके okay? उसके बाद जो भी है कि थिंकर ने किस कॉन्टेक्स में थ्योरी दी उसका बैकग्राउंड लिखिए ठीक है फिर आप अपनी बॉडी को एड्रेस कीजिए उसके बाद आप अपना थोड़ा सा क्रिटिसिज्म लिख दीजिए देन यहां पर इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिला है कि आप कुछ एडिशनल डायमेंशन ऐड कर सकते हो जहां पर आप उसको किसी और थ्योरी से लिंक कर सकते हो जैसे कि इन्होंने मोनिस्टिक और प्लूलिस्टिक थ्योरी से इसको लिंक किया दोबारा से इन्होंने उसका क्रिटिसिज्म लिखा और एंड फिर से इन्होंने सिग्निफिकेंस से ही किया है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ बिहेवियर अप्रोच टू पॉलिटिक्स क्रिटिकली इवेल्युएट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पूछ रहे कि व्हाट आर द फैक्टर्स क्या फैक्टर्स हैं बिहेवियरल अप्रोच के राइज के देन क्रिटिकली इवेल्यूएट करो बिहेवियरलिज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस ठीक है तो यहां पर पहले क्योंकि 15 मार्कर है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा ज्यादा लिख सकते हो तो पहले इन्होंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है फिर वो वेरियस स्टेट फिनोमिनाज एनालाइज करते हैं देन ही इज गिविंग द कॉन्टेक्ट या फिर बैकग्राउंड कि पहले ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी जैसे कि फिलोसफिकल अप्रोच हिस्टोरिकल अप्रोच लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच बट ये सिर्फ नॉर्मेटिव थ्योरीज पे फोकस करती थी एंड इट वाज़ द एज ऑफ़ साइंस एंड इन्वेंशन पॉलिटिकल साइंस टू लूज इट्स रेलिवेंस फिर अब ये आतेवियर पे है? तो दो पैराग्राफ पहले एक क्योंकि 15 करें, अगर आप के बारे में तो हो सकता है आपकी थोड़ी स्पेस आप उतना ना एक्सप्लेन कर पाओ तो फिफ्टीन मार्कर में आपके स्कोप रहता है कि आप एक्सप्लेन अच्छे से करो उसके बाद इन्होंने लिखा है डेविड ईस्टन के बारे में डेविड ईस्टन ने अपने किया Saying that historicists have made the discipline a parasite and age-old ideas, and the normative, normativists did not bother to produce verifiable theories. Okay, so Eastern said that political theories are reductive, abstract, and absolutist, and result in armchair theories. Okay, focus on the keywords. Leading having no practical relevance. उसके बाद फिर ये बता रहे हैं कि इसलिए बिहेवियलिज्म में चार्ल्स मेरियम आए जिन्होंने बोला वैल्यूज को रिजेक्ट करो साइंटिफिक टेक्निक्स और प्रोसेस को बनाओ ईस्टर्न ने भी बोला कि पॉलिटिकल साइंस एज प्योर साइंस और उन्होंने कुछ फीचर्स दिए बिहेवियलिज्म के अब यहां पर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग दैट ही इज यूजिंग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्रेजेंटिंग हिज आंसर ही इज मेकिंग यूज ऑफ फ्लो चार्ट ही इज राइटिंग पैरास एंड ही इज राइटिंग इन पॉइंट्स एज वेल तो देर इज नो बार कि आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते हो जो चीज जैसे अच्छे से प्रेजेंट हो सके आप वैसे उसको यूज कीजिए फिर ये कुछ इन्होंने पॉइंट्स बता दिए हैं बिहेवियरिज्म के आप लोग पढ़ सकते हो पढ़े भी होंगे आपने फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं तो इन्होंने लिखा है अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न अडोप्टिंग अवर्क वुड लीड पोलिटिकल साइंस टू बिकम अ प्योर साइंस ठीक है ऑब्वियसली यही सब का है अब देखो ये सब अगर किसी एग्जामिनर को आंसर में दिख जाता है फिर इतना ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अपने आप वो फ्लो बनता जा रहा है फिर इन्होंने बताया कि बिहेवियरिज्म अप्रोच की वजह से साइंटिफिक लिटरेचर आया लाइक एग्जिट पोल्स इलेक्टोरल बिहेवियर ओपिनियन पोल्स यहाँ पर इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ योगेंद्र यादव क्रिस्टोफी जेपरलॉट अगर आपको उसको करंट से रिलेट करना है ड्यूरिंग नाइनटीन सिक्सटीज एंड सेवेंटीज बिहेवियल अप्रोच अब क्योंकि उसमें क्रिटिकली इवेल्यूएड लिखा हुआ था और अगर नहीं भी लिखा है तो इट इज ऑलवेज गुड टू राइट दी क्रिटिसिज्म तो इन्होंने यहां पर क्रिटिसिज्म लिखा

तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा है बट इन्होंने सब कुछ इनकॉर्पोरेट किया है एंड दैट इज वट इज पॉसिबल तीन सौ शब्दों में वैसे भी इतना ज्यादा नहीं लिख सकते आप बट इट इज नेरी ठीक है या वो अच्छा माना जाता है कि आप सारे पॉइंट को इनकॉर्पोरेट करके रखो ठीक है डाइवर्सिटी होनी चाहिए किसी एक पॉइंट को एक्सपैंड मत करो ठीक है लेकिन सारे पॉइंट छोटे छोटे पैराग्राफ्स में इनकॉर्पोरेट करके रखो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डिस्कस द सेलियन फीचर्स ऑफ डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म ओके डू यू अंडरस्टैंड फेमिनिज्मिटी इन फेमिनिज्म सो द क्वेश्चन इज कि सेलियन फीचर्स बताओ डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के उसके बाद इंटरसेक्शनैलिटी क्या होता है फेमिनिज्म में तो सबसे पहले इन्होंने बढ़िया सी डेफिनेशन से स्टार्ट किया है वर्जीनिया वुल्फ डिफाइंस फेमिनिज्म एज द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एज इट इज फॉर मेन ठीक है फिर इन्होंने बताया कि जेएस मिल का एक वर्क है द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन राइट्स दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी हैव एंडेड बट द स्लेवरी ऑफ वुमेन कंटिन्यूज सो ही इज लिंकिंग दफ फेमिनिजम विथ दिल्स कॉन्सेप्ट ठीक है तो मिल ने भी अपना थोड़ा सा वेमेन मूवमेंट मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पे व्यूज दिए तो दैट इज वॉट ही इज इनकॉर्पोरेटिंग ओवर हे चलो आगे बढ़ते हैं फिर इन्होंने कहा हेन्स टू डिमांड इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिजम इमोस्ट फर्स्ट वेव कौन सी थी जहां पर जिसको लीड किया मैरी वर्ल्ड स्टोन में फर्स्ट तो वेव के सारे कीवर्ड्स वर्ड यहाँ पर लिख दिए जैसे कि मैरी वर्ल्ड फिर फ्रेंच रेवल्यूशन एक्सेट्रा एंड वन मोर थिंग जो मैं शुरू से कहते शॉर्ट क्रिस्प एंड सिंपल सेंटेंसेस आपको भी ऐसी ही लैंग्वेज यूज करनी है ठीक है कोई भी आपको फ्लारी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं यूज करने हैं ओके फिर इन्होंने दूसरा बताया कि एमलिन अंडर डॉटर्स एलिजाबेथ सिल्विया था फिर सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म बताया कि साइमन दे व्यूवो ने स्टार्ट की जिसने आर्ग्यू किया विमेन इज नॉट द सेकेंड सेक्स हमेशा जब भी ये कोई भी स्कॉलर लिख रहे हैं ना तो उसका की लिख रहे हैं विमेन इज नॉट दी सेकेंड सेक्स बट दी सेकेंडरी सेक्स ये साइमन दे व्यूवो का की लाइन है फिर अनलाइक द फर्स्ट वेव सेकेंड वेव डिफरेंशिएटेड सेक्स एंड जेंडर तो इन्होंने बताया कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वेव सो दीज आर सम ऑफ द दैट यू हैव टू यूज ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की अभी ये सेकंड वेव के बारे में ही बता रहे हैं जहां पे इन्होंने सुजैन मोलर ओके का व्यू बताया जेंडर जस्टिस एंड फैमिली फिर इन्होंने बेटी फ्रीडम का बताया द फेमिन मिस्टेक का अनलेस पेट्रीआरकी इज रिमूव नो अमाउंट ऑफ सोशियो पोलिटिकल राइट कैन अपलिफ्ट विमेन सो ही इज इनकॉपोरेटिंग डाइवर्स और इससे ये भी पता चलता है कि देखो इनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था तो इनको जो भी आता था उसको इन्होंने बहुत ही अच्छे से इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया स्कॉल ऑफ बुक्स याद रहने चाहिए ठीक है तो आपसे मुझसे कोई भी ये बार बार नहीं पूछेगा कि इतना सब कुछ याद करना है याद करना है अगर ये याद कर सकते तो आप लोग भी याद कर सकते हो फिर इन्होंने कैथरीन का व्यू लिखा एंड देन आता है कि इंटरसेक्शनैलिटी तो इसकी बात कहां पर हो रही है थर्ड वेव में तो इन्होंने थर्ड वेव के बारे में बताया कि इंटरसेक्शनैलिटी क्या होती है विमेन हैव फ्लूइड आइडेंटिटी जो कि जुडित बटलर से एसोसिएटेड है मोस्टली फिर वेमेन आर नॉट जस्ट अफेक्टेड बाय पेट्रीआरकी तो जो इंटरसेक्शनलिटी उसका मतलब क्या है कि जो विमेन है दे आर नॉट जस्ट अफेक्टेड बाय पेट्रिया उनके ऊपर अदर फैक्टर्स का भी अफेक्ट होता है जैसे कि एनवायरमेंट हो गया कैपिटलिज्म हो गया एक्सेट्रा तो यहाँ पर इन्होंने एक बता दिया कि है कि इससे एसोसिएटेड है इको फेमिनिज्म अब यहां पर इन्होंने स्कॉलर नहीं लिखा है बट मैंने आपको बता दिया कि इसके स्कॉलर है वंदना शिवा ठीक है सो रोल ऑफ डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एंड वीमेन्स राइट ऑल्सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द बाउंड्री बिटवी पर्सनल एंड पॉलिटिकल है उन्होंने लिखा कि डिफरेंट वेमिनरसेज इक्वल फॉर मेन एंड वेमेन आई थिंक अगर आपको इसको कंटेप्रेरी टाइम से लिंक करना है तो आप एस डी जी फाइव यहाँ पर यूज कर सकते हो सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टूडे आई होप यू लाइक दिस सेशन काफी कुछ आप लोग सीख रहे होंगे इन सेशन से थैंक यू एंड स्टे अपडेटेड फॉर मोर सच वीडियो